मणिपुर में जारी हिंसा और खास तौर पर जिस तरीके से एक वीडियो वायरल है वहां का, जिसमें भीड़ महिलाओं के साथ बर्बरता करती हुई नजर आ रही है, इसके बाद से विपक्ष के निशाने पर है केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस मसले को उठाया, प्रधानमंत्री के बयान की मांग की सदन के अंदर और बाहर। कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या यूथ कांग्रेस हो, इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने की और इसको लेकर के संसद का कामकाज भी प्रभावित हुआ और स्थगित करना पड़ा और सड़क पर भी, संसद और सड़क दोनों मोर्चों पर कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे को उठा रही है और सरकार से जवाब की मांग कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के सदन के बाहर बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सदन के अंदर सरकार और खुद प्रधानमंत्री इस मसले पर जवाब दें। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नहीं करते, जिस तरह से मुख्यमंत्री टिका हुआ है, इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री को सह प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री के रहते हुए लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों की आबरू लूटी जाती है, लोगों को घर से निकाल के मारा जाता है। क्या है ये, भारत में क्या हो रहा है, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रंगता। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस, राहुल गांधी जी मणिपुर में जाके लोगों से मिलते हैं और शांति बहाल के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। तो कुछ इस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के और सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं कि इतने दिनों से राज्य में हिंसा क्यों हो रही है और इस तरीके की विभत्स घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पाई है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। क्या है पत्रकारिता का मतलब? है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।